महिला SGM की गाड़ी में बैठकर वहां गई थी, उसके साथ गार्ड भी था, उसका फर्जी आईडी कार्ड था। मामले में कार्रवाई हुई है सर, महिला को छोड़ दिया गया है, गार्ड के खिलाफ तो कार्रवाई हुई है, उनका प्रकरण क्या है, महिला को भी छोड़ा गया सर? इसमें जो प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया था उसमें इम्परसोनेशन का जानकारी मिल रही थी कि एक महिला जो है खुद को SDM बता रही थी और साथ में एक वर्दी पहना हुआ व्यक्ति था जिसको गार्ड बताया जा रहा था। चूँकि उसके द्वारा जो वेशभूषा धारण की गई थी वो परमिसिबल नहीं है, उसको देखकर पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, उसको कस्टडी में लिया गया जो वर्दी उसने गलत पहन रखी थी और अपने आप को गार्ड बता रहा था, पुलिस का जवान बता रहा था। साथ ही जो महिला है उसमें उससे भी पूछताछ की गई प्रारंभिक, और जो प्रथम दृष्टया जिसके पास में जो वेशभूषा थी वो चूँकि परमिसिबल नहीं है तो उसको कस्टडी में लिया गया है। अगर इसमें पूछताछ में आता है कि महिला द्वारा भी अगर कुछ अपराध उसमें है तो उसको भी कस्टडी में लिया जाएगा, वर्तमान में विवेचना जारी है। पुलिस को समय धमकी दे रही थी कि अब ये विवेचना का विषय है उसमें कि किस प्रकार का साक्ष्य पुलिस के समक्ष में आता है, अगर कोई ऐसा साक्ष्य होगा जो आपराधिक जो है दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा तो आगे कार्रवाई की जाएगी।